yes, Ekta ma'am, I feel Ekta Kapoor has changed, like she's changed the face of television, I feel. हाँ मतलब मैं उड़ रही हूँ यार शो में तो मैं अपने आप को उड़ता हुआ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कैसे लगने वाली हूँ उड़ते हुए. यू नो एट द सेम टाइम देर आर पीपल हु डोंट वांट अ कास्ट यू फॉर अ वेब शो और फॉर अ मूवी. आई वुड से ये बोल के कि यू नो यू आर टू एक्सपोज्ड. आई एम वेरी एक्साइटेड और वो इसलिए भी क्योंकि मैंने कुछ नया किया है और मेरी ऑडियंस को भी कुछ नया देखने को मिलेगा. आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ परी जो राज परी है. रानी परी की बेटी है, छोटी बेटी, एक ही बेटी है उनकी एक्चुअली जो छोटी है. व्हाटएवर. सो या परी का किरदार है और एक तरीके से डबल रोल है मेरा शो में. तो एक परी इन हेवन है और एक परी ऑन अर्थ है. ऑन अर्थ परी ऑन अर्थ मतलब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह है, वहाँ पे वो परी की तरह नहीं रह रही है. तो वो है, कुछ नया किया है, फैंटेसी ड्रामा है, फैंटेसी फिक्शन है. तो मैंने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं था और जब जो मेरा लुक भी है शो में वो भी मैंने वैसा कुछ भी पहले कभी ट्राई नहीं किया है. तो आई थिंक सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा एंड इट्स अ सरप्राइज फॉर माई फैमिली ऑल्सो. तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देयर रिएक्शन कि जब वो देखेंगे तो उनको कैसा लगता है. It was very very exciting. I really wanted to work with Balaji and with Ekta ma'am. और जब ये ऑफ़र आया और मैंने कैरेक्टर सुना तो मुझे ऑब्वियसली कैरेक्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ही. वो तो एक रीज़न था ही शो के लिए हाँ बोलने का, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी था कि इट्स यू नो एकता मैम शो एंड इट्स अ फैंटेसी फिक्शन और उनसे बेहतर फैंटेसी फिक्शन मुझे नहीं लगता कोई बनाता होगा. तो एक रीज़न ये भी था. एंड येस एकता मैम, आई फील एकता कपूर हैज़ चेंज, like she's changed the face of television, I feel, you know, the game of television. तो वो चीज़ है. तो यहाँ मतलब obviously मेरा first association था उनके साथ, तो मैं उसके लिए भी काफ़ी excited थी. I don't mind. Yeah, now I don't mind. I think एक fantasy fiction करने के बाद अब मुझे पता नहीं था honestly कि मैं मतलब क्या कैसा experience रहेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा करके. मुझे तो बहुत मज़ा आया, so yeah, I don't mind. नहीं ऐसा फ़िलहाल तो हमारे शो में ऐसा नहीं हुआ है अभी तक तो. लेकिन फैसिनेटिंग तो था यार, मतलब आई नो बिकॉज बहुत सारा VFX और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, देखा नहीं मतलब खुद के साथ. तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी हमने काफ़ी चीज़ें ग्रीन बैकड्रॉप पे क्रोमा में शूट की हुई हैं. तो मैं भी वेट कर रही हूँ यार कि वो ऑन स्क्रीन जब आएगा तो यू नो आफ्टर VFX एंड CG और सारी चीज़ें होने वाली हैं, काफ़ी मेहनत होने वाली है, तो वो कैसा लगेगा उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ. और हाँ मतलब मैं उड़ रही हूँ यार शो में तो मैं अपने आप को उड़ता हुआ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कैसे लगने वाली हूँ उड़ते हुए. ऑफकोर्स वी कैन, काफ़ी TV एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इन अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, इन वेब, इवन इन मूवीज़. सो आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट. एंड एज अ TV एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के. बट आई फील समवेयर यू नो एट द सेम टाइम देर आर पीपल हु डोंट वांट अ कास्ट यू फॉर अ वेब शो और फॉर अ मूवी. आई वुड से ये बोल के कि यू नो यू आर टू एक्सपोज्ड, मतलब बहुत प्रोमिनेंट फेस है TV का. तो बिकॉज समथिंग हैपेंड विद मी वेरी रिसेंटली, तो जहाँ दे रियली लाइक माई वर्क, बट कंक्लूजन जो निकला सब चीज़ का वो ये था कि फेस काफ़ी नोन है. तो इस वजह से मुझे वो पार्ट नहीं मिला जो मुझे करना था. बट आई थिंक इट्स ओके, वहीं पे और लोग भी हैं ऐसे जो काम करना चाहते हैं आपके साथ. दे सी द पोटेंशियल एंड कि आप कितना कर सकते हो, कि आप कैसा करते हो और कितनी मेहनत और करने को तैयार हो. वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, तो इट्स ओके. आई थिंक सबका अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना तरीका है चीज़ों को देखने का. बट आई एम ओके विद दैट यार. हाँ यार बुरा तो लगता है, मतलब इंसान हूँ यार. फीलिंग्स वो तो अभी चलो इंडस्ट्री की बात हो रही है ऑब्वियसली, बट अगर इन लाइफ ऑल्सो हम कुछ चीज़ बहुत डेस्परेटली चाहते हो कि यार हमें ये चाहिए, ये हमें ऐसा कुछ करना है, और अगर हमें फर्स्ट वॉट एवर रीज़न वो नहीं पॉसिबल होता है, तो यार यू फील बैड, थोड़ा सा बुरा लगता है. बट ठीक है यार, मतलब आपको आई थिंक लाइफ को पॉजिटिवली देखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मे बी शायद कुछ इससे भी बेहतर होगा आपके लिए, कुछ और अच्छा होगा. तो मैं वही थिंकिंग रखती हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे वही सिखाया है, तो मैं उसी सोच के साथ आगे बढ़ती हूँ.
आई थिंक ऑडियंस आजकल काफ़ी स्मार्ट है और वो भी देखते हैं और वो लोग भी एक एक्टर को और उसकी ग्रोथ को भी देखते हैं. तो जहाँ तक मेरे किरदार की बात है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती खुद भी मूव ऑन करना, मैं नहीं चाहती कि लोग भी करें. यार वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत स्पेशल है और ज़िंदगी भर रहेगा. और आई थिंक जो लोग नायरा से प्यार करते थे उनके लिए भी वैसा ही है. बट आई एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू डू मोर वर्क, आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क, ट्राई डिफरेंट कैरेक्टर्स. मैं खुद भी अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, उन्हें बेहतर करना चाहती हूँ और अच्छा काम करना चाहती हूँ. तो मैं वही कर रही हूँ और ऑडियंस ये समझती है. मुझे पता नहीं था कि मतलब जब मैंने जब भी मैच किया था तो मुझे था कि पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं. कहीं ना कहीं था मुझे कि यू नो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ. और तो बट जब मैंने उसका रिस्पॉन्स देखा आई वॉज वेरी हैप्पी यार. मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स था उसका, तो थैंक यू यार. मतलब विच आई थिंक इन अ वे सेज दैट ऑडियंस वॉन्ट मी टू लाइक दे रियली वॉन्ट मी टू डू समथिंग डिफरेंट एंड यू नो डू बेटर एंड और प्रोग्रेस करूँ शायद. एंड यू हैप्पी दैट यू कुड डू समथिंग दैट इज योर एज? या फॉर अ चेंज. या क्योंकि जो शो में जब मैं कर रही थी उसमें जहाँ मैंने शो छोड़ा था एक वहाँ पे आई वॉज लाइक प्लेइंग अ मदर ऑफ टू किड्स, देन तीन बच्चे हो गए. तो ठीक है, आई थिंक वो मेरे शो की रिक्वायरमेंट थी जो मुझे करने में प्रॉब्लम भी नहीं हुई ऑनेस्टली. तो मुझे था कि मतलब वो नीड थी उस कैरेक्टर की, तो आई डिड दैट. बट उसके बाद व्हेन आई गॉट टू प्ले माय एज तो अच्छा लगा, मज़ा आया.